मैं डॉक्टर कृतिका, फाउंडर ऑफ त्रय आयुर्वेदा। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के फ्लॉक पर। आप सब सोच रहे होंगे कि बायोलॉजी फ्लॉक है क्या। बायोलॉजिकल फ्लॉक एक ऐसा प्राकृतिक सिस्टम है जो नेचर ने हर प्रकार के जीवित पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े या इंसान को दिया है। अगर यह बिगड़ जाए तो कई तरह की बीमारियां शुरू होने लगती हैं, जिनका कारण बड़े से बड़े डॉक्टर्स या वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाते हैं। जैसे कुछ लोग डॉक्टर के पास बेचैनी, घबराहट, इंडाइजेशन, डिप्रेशन, नींद न आना, कमजोरी, थकान या बार बार बीमार पड़ने की शिकायत लेकर जाते हैं, और कई महंगे टेस्ट करवाने के बाद भी कोई कारण ना मिलने पर पहले बहुत सारी दवाइयां खिलाई जाती हैं, और तब भी ठीक ना हुए तो पेशेंट को साइकेट्रिक डॉक्टर के पास भी रेफर कर दिया जाता है। ऐसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को जानने से पहले आइए जानें बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है और यह काम कैसे करती है, और इसके बिगड़ने से क्या रोग हो सकते हैं, और हमें बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक कैसे रखना है। बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे शरीर के अंदर ही हर अंग में है। हमारे शरीर के हर अंग में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो समय के अनुसार कुछ रसायन छोड़ते हैं, जो कि हमारे शरीर की 90% तक की क्रियाएं मैनेज करते हैं। शरीर के हर अंग का अलग बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। इसके डिस्टर्ब होने से बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियां भी होने लगती हैं। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक क्रोनोलॉजिकल टाइम के अनुसार चलती है। क्रोनोस मतलब सूर्य। सूर्य के उगने और अस्त होने के अकॉर्डिंग हमारा शरीर रिएक्ट करता है। हमारा शरीर तीन दोषों के बैलेंस होने पर ही सही तरीके से काम करता है, और ये तीन दोष हैं वात, पित्त और कफ। अगर ये तीनों दोष बिगड़ते हैं तो शरीर रोगों से घिर जाता है। दोष सूर्य के उगने और अस्त होने के समय के अनुसार ही खुद को मैनेज करते हैं। क्रोनोलॉजिकल क्लॉक और बायोलॉजिकल क्लॉक का सामंजस्य ही स्वस्थ शरीर है। आयुर्वेद में इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से ऋषि मुनियों ने दिनचर्या, ऋतुचर्या जैसी कई अन्य लाइफस्टाइल रिलेटेड व्याख्यान किए हैं, जिसमें टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, नित्य कर जैसे अमूल्य ज्ञान का व्याख्यान किया है। अगर मैं साइंटिफिक रिसर्च की बात करूं तो जेफ्री सी हॉल, माइकल रोबाश और माइकल विलियम, इन तीन यूएस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। इन तीनों साइंटिस्ट ने क्रोनोबायोलॉजी पर काफी डीप स्टडीज की हैं, और आयुर्वेदा में तो इसका वर्णन कई हजार साल पहले ही कर दिया गया था। अगर आपको आपकी हेल्थ रिलेटेड समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो समझ लें कहीं ना कहीं आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ रही है। इसका समाधान दिनचर्या को फॉलो करने से ही हो सकता है, जैसे टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना पीना, व्यायाम करना और बहुत कुछ। आज हमने बायोलॉजिकल क्लॉक को समझा और जाना। अगर ऐसी ही किसी समस्या से आप परेशान हैं, तो बेझिझक हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।